भारतीय मिसाइल अग्नि A-1 मिसाइल MRBM है, ठीक ना। यह मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, इसकी भार है 1000 किलोग्राम। अग्नि वन जो है IRBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 1200 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, 1000 किलोग्राम का है। अग्नि टू IRBM है, 2500 किलोमीटर मारक क्षमता है, 1000 किलो का है। अग्नि थ्री IRBM है, 3000 किलोमीटर मारक क्षमता है और ये 2000 किलो का है। अग्नि थ्री SL ये भी ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ ICBM है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5200 किलोमीटर से लेकर 11600 किलोमीटर तक, यहाँ से यानी यूरोप अमेरिका तक भेज सकती है। 700 से 1400 आपका इसका मतलब वजन है। अग्नि फोर भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अग्नि पाँच ICBM है, 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, 3000 किलो का है। इसके बाद धनुष जो मिसाइल है वो SRBM है, 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, 500 किलो का है। निर्भय जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, 1000 किलोमीटर तक का मारक क्षमता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 290 किलोमीटर तक अचूक मार करती है, 290 किलोमीटर जाने में मात्र 7 सेकेंड लगता है, मात्र 7 सेकंड में पहुंच जाती है। 300 किलोग्राम इसका वजन है। इसका पृथ्वी वन जो है SRBM है, 150 किलोमीटर मारक क्षमता है। पृथ्वी टू SRBM 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। पृथ्वी तीन जो है SRBM है, 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। सागरिका SLBM है, ये 700 से 2200 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। सॉरी मिसाइल जो है ये TBM है, 700 से लेकर 2200 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। सूर्य फर्स्ट IC इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 9000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क तक ये मारक क्षमता रखता है। सूर्य टू ICBM है, ये 12000 किलोमीटर से अधिक तक मारक क्षमता यह रखता है। यहाँ देखिए कि ये सब विकासाधीन है, ठीक ना। सागरिका से सागरिका हो चुकी है, सॉरी भी हो चुका है, ये दोनों अभी तक प्रयोग इस पर चल रहे हैं, बाकी सब है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।